जय हिंद गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट स्टडीज़ में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने अपने एक्सरसाइज 2.1 में कुछ न्यूमेरिकल्स कर लिए थे और हमने बोला था कि कुल दो क्वेश्चंस बाकी हैं, तो ये दो क्वेश्चन 13th एंड 14th हम देखने जा रहे हैं। तो उनमें से 13th क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, जरा सा इस पर गौर कीजिए कि क्या लिखा हुआ है। इसने क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, फिर कह रहा है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अब देखिए ज़रा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ज़रा ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसके कहने का मतलब यह है कि साइन इनवर्स एक्स का मान वाई है, ठीक है, तो ये जो मान होगा वो जीरो से पाई के बीच होगा या माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, या फिर जीरो से पाई होगा या फिर माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच होगा, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स का जो मान होगा वो इन चारों में से कौन से कंडीशन में होगा, क्वेश्चन ये कह रहा है। हम जानते हैं कि जो साइन इनवर्स एक्स होता है, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स या यू कह लीजिए कि साइन इनवर्स, ये जो फंक्शन होता है इनवर्स फंक्शन, ठीक है, इसका वैल्यू का मतलब क्या हुआ, इसका रेंज, ठीक है, इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक। तो अगर प्लस पाई बाई टू तक होता है, ठीक है, साइन इनवर्स का रेंज यानी इसका मान, तो यहाँ पर जो वाई है वो आई साइन इनवर्स एक्स का मान ही तो है, यानी कि साइन इनवर्स का जो मान वाई है वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, क्लोज्ड माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक। अगर इसी को दूसरे तरीके से लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक मान, ठीक है, क्योंकि क्लोज्ड है ना, इसलिए क्लोज्ड है, इसलिए इक्वल का भी साइन लग जाएगा। अगर ये क्लोज्ड ना होता, ये बंद अंतराल ना होता, तो यहाँ पर ये बराबर का निशान ना लगता, केवल और केवल ये ऐसे दिखा दिया जाता, ठीक है, बात समझ गया। तो बराबर यहाँ पर लगाना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल लगा हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन कुछ और नहीं बल्कि साइन इनवर्स का रेंज ही पूछ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका डोमेन माइनस वन से प्लस वन होता है, तो रेंज हमारा ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो बात समझ आ गई, अब हम इसे लिखे देते हैं बोर्ड पर, आप समझ लीजिए। सो गाइज, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो बातें हमने आपको समझाई हैं वही बोर्ड पर हमने लिख दी हैं, आप उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइज, आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर, एक्सरसाइज 2.1 के, दैट इज 14th क्वेश्चन। सो लेट अस सी व्हाट दिस इज एंड व्हाट दिस व्हाट इट्स आंसर इज। ओके, सो इट्स दिस क्वेश्चन इज टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस सेक इनवर्स माइनस टू का मान बराबर है। ऑप्शनल ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन का मान किसके बराबर होगा। ओके, तो देखिए ज़रा इसको भी हल करने का वही पुराना सा तरीका, इसको कुछ मान लीजिए, इसको कुछ मान लीजिए, दोनों के जो आंसर्स आए बीच में क्या लगा हुआ है, माइनस, यानी कि दोनों के जो मान आएंगे उन्हें हम घटा देंगे आंसर। तो देखिए ज़रा इसका आंसर कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम टेन इनवर्स रूट थ्री को कुछ मान लेते हैं और हमने यहाँ पर क्या माना हुआ है, वाई, आप कुछ भी मान सकते हैं, थीटा, एस, पी, टी, ए, बी, सी, डी, कुछ भी। तो यहाँ से हमें टेन वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, रूट थ्री। तो टेन वाई इज इक्वल टू, अब रूट थ्री को हम क्या लिख सकते हैं भाई, टेन पाई बाई थ्री का मान होता है रूट थ्री, इसलिए हमने टेन पाई बाई थ्री लिख दिया, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम वही कोण लिखेंगे जो कि टेन इनवर्स की मुख्य मान शाखा में स्थित होगा। तो यहाँ पर हमने पाई बाई थ्री लिखा हुआ है, पाई बाई थ्री टेन इनवर्स की मुख्य मान शाखा में स्थित है, टेन इनवर्स की मुख्य मान शाखा यहाँ पर लिखी हुई है, देखिए ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, यानी कि माइनस 90 से प्लस 90 तक। अब टेन पाई बाई थ्री को देखिए, पाई बाई थ्री का मतलब क्या हुआ, 60 डिग्री। क्या 90 और माइनस 90 प्लस 90 के बीच 60 डिग्री नहीं आता है, बिल्कुल आता है। तो जो कोण है वो हमारा टेन इनवर्स की मुख्य मान शाखा में स्थित है, ठीक है, इसलिए हमने इस मान वाई जो आया है हमारा मान, इसे हमने एक्सेप्ट कर लिया, समझ गए। इसलिए y का मान कितना आ गया, पाई बाई थ्री। वाई क्या था, टेन इनवर्स रूट थ्री हमने माना था, यानी कि टेन इनवर्स रूट थ्री का मान कितना आ गया,
पाई बाय थ्री। अच्छा ये तो हमें टेन इनवर्स रूट थ्री का मिला, अब किसका चाहिए? अब हमें sec इनवर्स माइनस टू का चाहिए। तो sec इनवर्स माइनस टू को हमने t मान लिया, ये implies that का साइन लगा हुआ है, ये चिन्ह कहता है कि इसका मतलब ये है, ठीक है। जहाँ जहाँ चिन्ह लगा हुआ है ठीक है, वहाँ पर आप ये समझिएगा कि चिन्ह कह रहा है कि इसका मतलब ये है। बात समझ गया? तो हमने साइन लगाया implies that इसका मतलब ये है, ठीक है। अब ये जो लिख गया है sec is equal to minus 2, ठीक है, तो माइनस टू को हम रिप्लेस कर सकते हैं माइनस sec पाई बाय थ्री से, ठीक है, क्योंकि sec पाई बाय थ्री का मान टू होता है, ठीक है। अब माइनस sec पाई बाय थ्री को फिर से हमें रिप्लेस करना है किसी चीज़ से, तो हम एक बात जानते हैं, ठीक है, हम एक बात जानते हैं, जरा यहाँ पर देखिए वो बात क्या है। ये जो sec पाई माइनस थीटा होता है बराबर होता है माइनस sec थीटा, ऐसा लिख सकते हैं हम। इसलिए ये जो यहाँ पर माइनस का sec पाई बाय थ्री लिखा हुआ है उसे यहाँ पर sec पाई माइनस पाई बाय थ्री लिख दिया गया है। यहाँ पर पाई बाय थ्री को थीटा कहिए, तो माइनस का sec थीटा माइनस का sec पाई बाय थ्री, ठीक। तो यहाँ पर जो माइनस sec थीटा था उसे हम sec पाई बाय थीटा लिख रहे हैं, यहाँ पर जो माइनस sec पाई बाय थ्री था उसे sec पाई माइनस पाई बाय थ्री लिख रहे हैं। तो इसे हल करेंगे तो sec 2 पाई बाय थ्री आ जाएगा। ये 2 पाई बाय थ्री जो sec इनवर्स की मुख्य मान शाखा है क्लोज इंटरवल 0 से पाई माइनस का ये सेट जो है हमारा पाई बाय टू वो निकाल दिया गया है। ये जो क्लोज्ड सॉरी sec इनवर्स का ये जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है उसमें लाई करता है ये मान, ठीक है, इसलिए हम इस मान को क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। समझ गए? तो sec इनवर्स माइनस टू का फाइनल मान कितना गया, 2 पाई बाय 3। अगर आप यहाँ से ही डायरेक्ट माइनस टू की जगह पर sec 120 डाल दें, क्योंकि sec 120 डिग्री का ही मान होता है माइनस टू, बात समझ गया। तो यहाँ से भी आपको डायरेक्ट यही वैल्यू मिल जाएगी 2 पाई बाय 3, क्योंकि 120 को जब रेडियन में आप चेंज करेंगे तो 2 पाई बाय 3 ही मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि tan इनवर्स रूट थ्री का मान पाई बाय थ्री आया और sec इनवर्स माइनस टू का मान कितना आ गया, 2 पाई बाय थ्री आ गया। अब इन दोनों वैल्यूज को इस एक्सप्रेशन में डाल दीजिए, आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन को हमने नोट किया, यहाँ पर tan इनवर्स रूट थ्री का मान पाई बाय थ्री माइनस लगा दिया, इसका मान कितना है 2 पाई बाय थ्री। अब इसे हल कर लिया तो आंसर कितना आ गया, माइनस पाई बाय थ्री। इन क्वेश्चंस में भैया कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत ही आसान से क्वेश्चंस हैं फिलहाल के लिए। अब आगे देखते हैं क्या होता है। सो प्लीज गाइस टेक अ स्क्रीनशॉट। सो गाइस हमने अभी तक 2.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया हुआ है, अब हम उसके थोड़ा आगे बढ़ते हैं जहां पर हम चर्चा करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की क्या प्रॉपर्टीज हैं, उनके गुण क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए जरा, पहला प्रगुण है आपका जो आपके सामने लिखा हुआ है, साइन इनवर्स 1 बाई एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स 1 बाई एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स 1 बाई एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। बातें आप समझ रहे हैं? तो पहले प्रगुण में ये तीन रूप आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट अभी हम इसके आगे थोड़ा सा बढ़कर थोड़ा बहुत इन तीनों में से एक पार्ट को प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से बने हैं, ठीक है। सो गाइस जितना इम्पोर्टेंस है इन प्रॉपर्टीज का, ठीक है, उस हिसाब से हम इनके प्रूफ भी देखेंगे, जिनका इम्पोर्टेंस कम है उनका प्रूफ हम नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर तीन एक पहली प्रॉपर्टी के तीन पार्ट आपको दिखाए गए हैं, एक साइन इनवर्स 1 बाई एक्स के लिए, एक कॉस इनवर्स 1 बाई एक्स के लिए, एक टैन इनवर्स 1 बाई एक्स के लिए, जिनमें से हमने पहले वाले पर बात की है, ठीक है। शेष दो इसी तरीके से हो सकते हैं, हालांकि इनके प्रूफ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं कि ये फर्स्ट प्रूफ क्या है आपका, ठीक है। इसके बाद हम अगली प्रॉपर्टी पर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ हमारे इंटरमीडिएट में इनके बारे में पेपर में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। बाकी आप समझदार हैं, पढ़ाई करते रहिए, कोई अगर डाउट आता है इनसे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में विदाउट एनी हेजिटेशन लिखिए, हम उसे दूर करने की कोशिश करेंगे।
तो चूंकि हमें यहाँ पर साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स प्रूफ करना है, तो इसके लिए इसका मतलब ये हुआ कि इसका मान इसके मान के बराबर हमें लाना है। हम क्या करते हैं, इसके मान को हम टी मान लेते हैं, मान लिया, समीकरण नंबर 1 बन गई। और इम्प्लाइज दैट का मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। तो साइन इनवर्स इसका मतलब ये है कि साइन टी बराबर 1/x, ये जाकर उधर साइन बन गया। अब साइन टी को हम 1/cosec लिख सकते हैं, तो लिख दिया हमने बराबर 1/x। अब 1/ बराबर 1/ लिखा हुआ है, तो ये दोनों चीजें आपस में बराबर होंगी, तो cosec टी बराबर एक्स मिल गया, तो टी बराबर cosec इनवर्स एक्स मिल गया, टी बराबर cosec इनवर्स एक्स मिल गया। इसे समीकरण नंबर 2 मान लिया। जरा ध्यान से देखिए समीकरण 1 और 2 को, साइन इनवर्स 1/x का मान टी के बराबर है और टी का मान कोसेक इनवर्स एक्स के बराबर है, तो इन दोनों का मान भी आपस में बराबर होगा। तो समीकरण 1 और 2 से ये दोनों बराबर प्रूफ हो गए, यानी इसका मान और इसका मान आपस में बराबर है। बात आप समझ गए। अभी तो ये कुछ नहीं है, इसकी गहराइयाँ बहुत हैं, साथ ही जो लिखी हुई हैं इसका क्या मतलब है, ये यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है ना, वो सारी चीज़ें गहरी हैं और हमारे इंटरमीडिएट के सिलेबस से बाहर हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इस बुक में जितना दिया गया है उस पर ही बात करेंगे। सो प्लीज़ गाइस टेक अ स्क्रीनशॉट एंड आफ्टर इट वी विल मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। सो गाइस आइए देखते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है। सेकेंड प्रॉपर्टी में भी हमें 3 पार्ट दिखाए गए हैं, इसके बाद आने वाली थर्ड प्रॉपर्टी में भी 3 पार्ट दिखाए जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी क्या है। सेकेंड प्रॉपर्टी में 3 पार्ट हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स, टैन इनवर्स माइनस एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है, सो साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टैन इनवर्स एक्स, एंड कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। आपको केवल ये फॉर्मूले याद रखने हैं बस, और कुछ नहीं करना है। इन फॉर्मूले वगैरह का यूज़ कैसे होगा ये क्वेश्चन में आपको समझ आएगा। अब आप जरा देखिए पहला मतलब ये कहाँ से बने हैं, है ना, थोड़ा सा उन पर हिंट ले लेते हैं। तो पहले पार्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इधर मान लेते हैं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स को हम थीटा मान लिया हमने, इसका मान थीटा है, समीकरण 1 डाल दिया। सो साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स आएगा, जो इधर इनवर्स है साइन इनवर्स, उधर जाकर साइन बन जाएगा, तो साइन थीटा इधर आ जाएगा, माइनस एक्स इधर बचेगा, वही हमने यहाँ पर लिख दिया। इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब है कि साइन इधर, ये जो माइनस का साइन लगा हुआ है, माइनस इधर भेज दीजिए, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा मिल जाएगा। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस, अब देखिए हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस ये अंदर चला जाएगा, एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, जो इधर साइन है वो इधर आकर क्या हो जाएगा, इनवर्स। तो अगले पद में हमें क्या मिलेगा, साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस थीटा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसका क्या मतलब है, माइनस इधर भेज दीजिए तो थीटा पॉजिटिव हो जाएगा या नेगेटिव हो जाएगा, यही तो नीचे लिखा हुआ है, थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसे समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स माइनस एक्स का मान थीटा के बराबर है और थीटा का मान माइनस साइन इनवर्स एक्स के बराबर है, तो ये इन दोनों की वैल्यूज भी आपस में बराबर होंगी, जो कि नीचे लिखा हुआ है। और यही फर्स्ट प्रॉपर्टी का सेकंड प्रॉपर्टी का फर्स्ट पार्ट कह रहा है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इन्हें भी याद कर सकें। तो आइए गाइस अपनी हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी यानी थर्ड पर पहुंचते हैं। इसके भी 3 पार्ट हैं। ठीक है, अब देख लीजिए कि इसमें क्या बताया गया है। ये जो कॉस सेक और कॉट पर बनी है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये फॉर्मूले हैं, आपको याद रखने हैं, उनका यूज जब क्वेश्चन में होगा तो आपके खुद ही समझ आ जाएगा कि इनका यूज आगे कैसे करना है हमें।
अब ये प्रॉपर्टीज, ये फॉर्मूले कहाँ से बन गए हैं, थोड़ा सा हिंट उसका ले लेते हैं। तो इसके लिए फर्स्ट पार्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इधर कह रहा है कि इसका मान पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के बराबर होगा। कैसे? हम इसका मान थीटा मान लेते हैं और इसे समीकरण नंबर एक मान लेते हैं। अब देखिए जरा यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, भाई इसका मतलब क्या हुआ, कॉस इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू थीटा, तो कॉस इनवर्स उधर जाकर कॉस बन जाएगा, तो माइनस का x इधर बचेगा, माइनस का x बराबर किसके, कॉस थीटा के। ये बात समझ गया? अब इसका क्या मतलब है, माइनस इधर भेज दीजिए तो x पॉजिटिव हो जाएगा, तो x बराबर माइनस कॉस थीटा। इसका क्या मतलब है भाई, जो माइनस कॉस थीटा होता है उसे हम लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस थीटा, है ना, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस थीटा, तो कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा को कॉस 180 माइनस थीटा हमने लिख दिया। सो कॉस इनवर्स, अब देखिए इधर जो कॉस था वो इधर आकर इनवर्स हो जाएगा, तो हमने लिख दिया कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस थीटा। अब यहाँ से थीटा का मान हमने निकाला, इसे इधर ले लिया तो पॉजिटिव हो गया, इसे उधर भेज दिया नेगेटिव हो गया, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो गया। इसे समीकरण नंबर हमने दो मान लिया। समीकरण एक और दो को जरा ध्यान से देखिए, इसका मान थीटा के बराबर, थीटा का मान इसके बराबर, तो इसका और उसका ये दोनों मान आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। समीकरण एक और दो से ये दोनों मान आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। सो गाइस कुछ खास नहीं है इनमें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइस आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने एक्सरसाइज 2.1 के लास्ट के दो क्वेश्चन जो कि ऑप्शनल थे उनका डिस्कशन किया, कुछ आगे बढ़े प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की शुरुआत की, जिनमें हमने तीन प्रॉपर्टीज को हैंडल किया, ठीक है। बचे हैं तीन प्रॉपर्टी, हालांकि और भी बहुत सारे फॉर्मूले वगैरह हैं, वो हम आपको ये NCERT के पहले फॉर्मूले बता दें, उसके बाद कुछ बाहर से भी लाएंगे फॉर्मूले वगैरह बताएंगे ताकि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में और आसानी हो जाए, ठीक है गाइस। तो इस वीडियो के लिए बस यही तीन प्रॉपर्टीज बची हैं, तीन प्रॉपर्टीज वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसके बाद अपने कुछ एक्सरसाइज एग्जांपल लेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे कुछ और फॉर्मूले, उसके बाद उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे, ओके गाइस। तो इस प्रकार हम इसमें प्रोसीड करने वाले हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम कुछ और प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।